साजिश की पार्टी और ऐसे में टीवी की दुनिया हमारे साथ जश्न ना मनाए तो कैसा हो सकता है। तो एक तरफ जहां सास बहू और साजिश अपनी 15वीं सालगिरह मना रहे, ओह माय गॉड वी आर एंटरिंग इनटू स्वीट 16, वहीं एकता कपूर भी दे रही है वेब सक्सेस पार्टी जहां पहुंचे ढेर सारे सितारे। तो जरा देखिए एक नजर। ये नजारा है एकता कपूर के घर हुई पार्टी का, जहां टीवी के ढेर सारे सितारे इकट्ठा हुए हैं। ये पार्टी है वेब सक्सेस की। जिस तरह टीवी सीरियलों में एकता कपूर को सफलता मिली, फिर फिल्मों में मिली, कुछ वैसे ही अब वेब सीरीज में भी मिलती जा रही है। और इसीलिए एकता ने पार्टी रखी है जहां सितारों का आगमन हो रहा है। जरा देखिए कौन कौन आया है। यहां करण सिंह ग्रोवर भी आए हैं, तो पार्थ, एरिका और पूजा भी साथ साथ आए। और हाँ, उनकी लाइफ में एंट्री करने वाली नई कोमलिका यानी कि आमना शरीफ भी आई हैं। और ये जो फैशनेबल कपड़े पहनकर आए हैं, वो देखकर देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। वैसे फैशन का जलवा तो क्रिस्टल ने भी खूब बिखेरा। तो श्रुति झा भी अपने फैशनेबल सैंडल के साथ नजर आई। लेकिन हाँ, हीना का ये ब्लैक शिमरी मिनी गाउन कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, जिसके कारण हीना की सुंदरता और निखर कर आ गई है। यहाँ इंडस्ट्री से एकता के जितने जितने दोस्त हैं वो सब नजर आ रहे थे। जब शब्बीर आहलूवालिया वाले अपनी बीवी कांची के साथ यहाँ पर आए, तब कांची को देखकर एकता कितनी खुश हो गई। वैसे मौका तो खुशी का है ही, और इस खुशी के मौके पर खुशियां बांटने के लिए यहाँ सनी लियोनी भी थी अपने पति के साथ, तो देवेंका त्रिपाठी भी अपने पति के साथ आई थी, वरुण बडोला अपनी पत्नी के साथ, करिश्मा तन्ना अकेली, तो पल भी पूरी भी अकेले आए थे। और हाँ, सुमित व्यास भी अकेले पहुंचे थे। मगर हाँ, अपूर्वा अग्निहोत्री शिल्पा के साथ आए, करण वाही ऋत्विक धनजानी के साथ आए, अनिता हसनंदानी अकेली आई, रिद्धि डोगरा किसी के साथ आई, विकास मनकटला भी किसी के साथ आए हैं, पूजा गौर अकेली आई, और शांतनु नजबलिया की अपनी जोड़ीदार नित्यामी के साथ और पलकी के साथ आए। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर हम हंसी खुशी और प्यार बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ना बाज नहीं आते। जब तक टेंशन ना हो इनका तो खाना ही नहीं हजम होता, मेरा मतलब केक नहीं हजम होता, पर इनको केक नहीं देंगे क्योंकि ये टेंशन कर रहे हैं ना भाई। सीरियल गुड्डन की बात कर रहे हैं, जहां पर अंतरा की बेटी आ गई है हर किसी का नाक में दम करने।
गुड्डन को उसकी जिंदगी का आज सबसे बड़ा सदमा लगा है। हमसे तो मतलब है, हमारा पति है, हमारा परिवार है, तुम्हारी कुछ भी नहीं हो गुड्डन, कुछ भी नहीं, समझी तुम? जो जो कभी उसने सोचा नहीं होगा वो अब उसके साथ होगा। अचानक से एजे और अंतरा की एक 18 साल की बेटी आ गई है और उस बेटी ने घर में तबाही मचा दी है। देखो माँ बेटी तो वैसे ही दोस्त होती हैं, लेकिन ये वाली जो माँ बेटी हैं थोड़ी ट्विस्टेड माँ बेटियाँ हैं। सो दोनों सेम उम्र की माँ बेटियाँ हैं। सो अक्षत और अंतरा की बेटी, पहले अंतरा आती है गुड्डन की ज़िंदगी में। मुझे लगता है ये तो मेरे साथ धोखा हुआ ही है कि शादी ऐसे घर में करा दी जहाँ मुझसे बड़ी बहुएँ हैं। एक वो तो धोखा दिया ही गया था, साथ में ये भी धोखा था कि मुझे पता नहीं इस घर में सदस्य कितने हैं। एजे की बेटी अपने पापा की परीक्षा लेना चाहती है। वो जानना चाहती है कि माँ और बेटी अगर मरने की सिचुएशन में आ गए तो एजे पहले किसे बचाएंगे, पत्नी को या बेटी को? ये जानने के लिए उसने खाने में जहर मिला दिया है। अब खाना तो खा लिया, जहर का असर भी हुआ और देखिए दोनों को खून की उल्टियां भी होने लग गई। एक बार आके बोलती भी है कि गुड्डन तुम ये घर छोड़ के चली जाओ, मैं आगे से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी फैमिली में। तो वो तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है अलीशा। तो अब वो और तरीके अपनाती है, खाना ही में जहर मिला रही है गुड्डन की एंड अपने एंड अक्षत को बोलती है कि अब बताओ किससे ज्यादा प्यार करते हो। खैर अब अलीशा आई है तो अपने साथ खूब ड्रामे लेकर आई है। थोड़े दिन तक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ड्रामा चलेगा, उसके बाद गुड्डन और अलीशा में दोस्ती जरूर होगी। आफ्टर ऑल ये दोनों सेम एज के जो हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कहा हम कहा तुम, वेल टेक्निकली आप हमारे दिल में और हम आपके दिल में, लेकिन फिलहाल तो सीरियल की बात हो रही है जहां रायमा ने दे दी है अपनी ब्लेसिंग रोहित एंड सोनाक्षी के रिश्ते को। तो जाहिर सी बात है कि इनकी एंगेजमेंट पर ये भी शामिल हो रही है बड़ी ही खुशी के साथ। जैसा कि इन दिनों सीरियल में आप देख रहे हैं, सोनाक्षी और रोहित के रिश्ते के लिए रायमा ने सहमति दे दी है। अब भी सब राजी हो गए हैं तो शादी ब्याह की बात आगे भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए तो अब देखिए घर में हर कोई सगाई की तैयारी कर रहा है रोहित और सोनाक्षी की। मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए बिकॉज दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। रायमा ने अब दिल से रोहित को अपना दोस्त मान लिया है। एक दोस्त होने के खातिर वो रोहित की सगाई में अच्छे से अच्छा काम करना चाहती है। हाँ, रोहित के लिए रिंग सेलेक्ट करने के लिए मुझे बुलाया बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि मैं रोहित को इतने टाइम से जानती हूँ तो मुझे उसकी चॉइस पता होगी, सो वो मेरी हेल्प ले रही है एंड वी आर मोर ऑफ लाइक फ्रेंड्स। और जरा देखिए पूजा और रायमा रोहित को कैसे छेड़ रहे हैं इस सोनाक्षी के नाम पर। अभी जब शादी होने वाली रहती है तो इसी खट्टी मीठी नोक झोंक से तो लड़का और लड़की को छेड़ा जाता है, इसका मजा ही कुछ और होता है। अब डॉक्टर बाबू आप इसकी आदत डाल लीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है, आप सोनाक्षी को नहीं जानते हैं, वो भी आपकी ऐसे ही खिंचाई करेगी। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए पार्टी वही जिसमें धमाल हो, कमाल हो, नाच गाना हो और धूम धड़ाका हो, एंड ऑफ कोर्स केक भी हो, तो बस ये और ढेर सारे सितारे थे सास बहू और साजिश की इस बहुत ही खास बर्थडे पार्टी में। सास बहू और साजिश अपने 15 साल पूरे कर 16वें साल में एंटर कर रहा है और इसी की शुभकामनाएं देने खुद करण सिंह ग्रोवर सास बहू और साजिश के ऑफिस में पहुंचे। करण ने सेलिब्रेशन की शुरुआत की एक प्यारे से मैसेज के साथ। डियरेस्ट डार्लिंग SBS, congratulations and all the best for the next 15,000. Love, KSG. Karan Singh Grover ke saath is birthday celebration mein Avneet bhi shamil hui. Congratulations to Saas Bahu Saazish. Aapke 15 saal complete hue hain aur jabki mere ho chuke hain. Inke bhi ho chuke hain 15 saal complete life mein. हाँ तो क्योंकि इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन, हम लोग एक गाना हमारे चैनल से डेडिकेट करना चाहते हैं सास बहू साजिश को। SBS के बर्थडे के जश्न में करण सिंह ग्रोवर और अवनीत ने मिलकर माहौल में चार चांद लगा दिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मजा तो तब आए जश्न में जब थोड़ा सा नाच गाना हो जाए, तो बस हमारे एरिका और मोहसिन भी पहुंचे एकदम रॉकिंग स्टाइल में सास बहू और साजिश का जन्मदिन मनाने। तो चलिए देखिए आप भी एक नजर, क्या धमाल हुआ। साल आप लोगों ने एक नया फेज लाया है टेलीविजन पे। मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था जब सुना था कि अच्छा ऐसा भी होता है कि टेलीविजन का न्यूज़ होने वाला है जो थोड़ा एंटरटेनमेंट करके क्यूट वे में सारी स्टोरीज बताने वाले हैं। एंड माय मॉम यूज्ड टू वॉच इट देन, एंड एवरी चैनल हैज देयर सेगमेंट शोज नाउ, एंड सो यू गाइस स्टार्टेड द ट्रेंड यार। यू गाइस शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स। माशाल्लाह, कांग्रेट्स।
और हम आपके लिए कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही अमेजिंग से गाने बजाने वाले कसौटियों के बाद जो ये रिश्ता 15 साल से लोगों को हंसाता रुलाता हुआ आया है उनको बहुत 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 मुबारक कंग्रेचुलेशन ऐसे ही आप सक्सेसफुल रहे ऐसे ही आप हमारे साथ रहे हमें आपका फैमिली मतलब हम आपके फैमिली जैसे हैं और आपने हमें वो कंफर्ट लेवल दिया कि हम आपके फैमिली जैसे बने तो थैंक यू सो वेरी मच ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Happy birthday to you, happy birthday to you. I know, I should not sing, पर क्या करूं? बर्थडे के मौके पर बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया तो मजा नहीं आता ना एंड वैसे भी आज सिर्फ हमारा ही बर्थडे नहीं है जी हाँ बड़ी महान महान हस्तियों ने धरती पर राज के दिन आगमन किया था ऑफ कोर्स द बिग बी ऑफ इंडियन सिनेमा एंड छोटा पर्दा यानी अमिताभ बच्चन देन देयर इज बिग बी ऑफ छोटा पर्दा यानी कि रोनित रॉय एंड करण कुंद्रा वी ऑल शेयर अ थिंग इन कॉमन हमारा जन्मदिन तो चलिए मिलकर मनाते हैं एंटरटेनमेंट जहां तक सास बहू साजिश वहां तक आप कुछ मत बोलिए मैं इस साल मैं बोलता हूँ तो ऐसी बात है कि आप तो जानते ही हैं कि सास बहू साजिश और मेरा जन्मदिन एक ही दिन पे पड़ता है और मुझे तो बहुत साल हो गए सास बहू साजिश को 15 साल हो रहे तो सर्वप्रथम आपको और आपकी टीम को सालगिरह की बधाई और शुभेच्छाएं एंटरटेनमेंट जहां तक सास बहू साजिश वहां तक तो ये 11वां बर्थडे मना रहा हूँ यार मैं सास बहू साजिश के साथ क्योंकि मेरा और सास बहू साजिश का बर्थडे एक साथ आता है मतलब मैं अपना बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन सास बहू साजिश मुझे अपना बर्थडे भूलने नहीं देती मेरे को 750 फ़ोन कर चुकी है और मेरा एक रूल है कि मैं घर पे कैमराज को नहीं आने देता हूँ बट
इनको कौन रोकेगा, एहसास बहू साजिश को कौन रोक सकता है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही रिनाउंड और यू नो टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ था और मैं उनको बता रहा था कि ये जो यू नो ये सास बहू साजिश जैसे हमारे शोज होते हैं, इन लोगों ने हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो डबल कर दी थी, क्योंकि लोग देखना चाहते थे उस टाइम पर, इंस्टाग्राम नहीं होता था, फेसबुक होता था लेकिन इतना कुछ हम कर नहीं पाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, 3G 4G वगैरह नहीं होता था, सो हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ाई थी उस टाइम पर. And you know, so thank you so much. An actor as Saas Bahu Saazish, as directors, हर एक इंसान को evolve करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब क्या है ना कि mediums बदल गए हैं, but आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और आप हमेशा से अच्छा करते आए हो. मैंने देखा कि अभी आप डिजिटल पे भी डाल रहे थे ये सब, बस टाइम के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करते रहो, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो सोल है, वो तो सेम है. कितने सारे आपको कॉपी करके बन गए हैं, यू नो इट डजेंट मैटर, यू नो, क्योंकि अभी भी जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है दोपहर के टाइम पे. सो आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यस, डिजिटल जाना थोड़ा सा ज़रूरी है, कि ये मेरा 11वां साल है यहाँ पर और मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बिना. सो थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू गाइज डू, और आई एम ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटफुल. सो थैंक यू. एंटरटेनमेंट जहाँ तक, सास बहू साजिश वहाँ तक. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे. भाई वो बर्थडे पार्टी ही क्या जिसमें नाच गाना ना हो, और सुरभि चांदना ने क्या धमाल मचाया SBS के जश्न में शामिल होकर, ये तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन भैया यही जश्न कैरीज ऑन इन संजीवनी वाला सेट भी. देखिए ना क्या झूम कर नाच रहा है हर कोई. अस्पताल से निकलकर आज डॉक्टर्स की टोली आ गई है एक नया रिश्ता जुड़वाने के लिए. जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर जूही भी है, डॉक्टर सिड भी, डॉक्टर ईशानी भी, और हाँ डॉक्टर शशांक की बेटी भी, और वो तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो आज इस मेहंदी के फंक्शन में चार चांद लगाएंगे. अब आज यहाँ पर डॉक्टर्स की इस टोली को रोकने की गुस्ताखी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनेंगे. आज धूम धड़ाके से ये नाच गाना करने वाले हैं. जैसिका एंड संगीत, जिग्नेश संगीत गरबा भी कर रहे हैं क्योंकि जिग्नेश गुजराती है, एंड बहुत सारा ड्रामा होने वाला है विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. बहुत अच्छा माहौल है यार, सब यहीं पे आए हैं, डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नॉट फॉर वंस ड्रेस्ड इन डॉक्टर कोट और बहुत ट्रेडिशनल अटायर में. डॉक्टर ईशानी इतनी खूबसूरत लग रही है कि डॉक्टर सिट की तो उनपे से नजरें ही नहीं हट रही हैं. वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शशांक की बेटी के साथ रोमांस करने के फिराक में है डॉक्टर साहब. अब इस संगीत के फंक्शन में झूमने का मौका मिला सभी डॉक्टर्स को. अब मेहंदी और संगीत इतना खूबसूरत हो रहा है तो सोचिए इस शादी कितनी बेहतरीन होगी. हमें तो शादी का इंतजार है जहां पर डॉक्टर सिड और ईशानी एक नए अंदाज में नजर आएंगे.
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। टीवी सीरियल्स टू वेब सीरीज, भाई देखिए शब्बीर अपनी नई वेब सीरीज फिक्सर की हीरोइन माही गिल के साथ पहुंचे SBS को ढेर सारी शुभकामनाएं देने। हैप्पी बर्थडे, कीप एंगेजिंग योर ऑडियंसेस, कीप एंटरटेनिंग देम। मेरे ख्याल से आप लोग ही एक जरिया हो जिससे ऑडियंसेस को पता चलता है, फैंस को पता चलता है कि एक्टर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कई बार एक्टर अपने फैंस को नहीं बताना चाहता, लेकिन आप लोग बता देते हो। बट कीप इट गोइंग, बेस्ट विशेज, लॉट्स ऑफ लव, इसी तरह अच्छा काम करिए एंड सी यू एट 60। ऑल द बेस्ट SBS, और अब मैं ज़रूर आज ही जाकर मैं देखूँगी जब भी ये आएगा, तो ऑल द बेस्ट। Congratulations. Sweet 16, मतलब there is no better year in any person's life than sweet 16, be it a boy or a girl, क्योंकि जब आप 16 के होते हो तो लगता है कि यार 18 तो 2 साल दूर है, अभी इसके बाद गाड़ी भी चला लूँगा। So It's a great journey, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग शायद वो पहले लोग थे जिन्होंने एक टेलीविज़न बेस्ड शो शुरू किया था जो सिर्फ टेलीविज़न को लेकर टेलीविज़न सेंट्रिक था, और अब भी यू ऑल आई थिंक आर द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग। और आप लोग जिस तरीके का कहानी है, मतलब जिस तरीके के न्यूज़ है, आप लोग वैसे ही रिपोर्ट करते हो, उसमें कोई मसाला वसाला नहीं डालते हो, फिर भी नंबर्स आ रहे हैं यार, विच इज़ वेरी गुड। यू ऑल आर वेरी ट्रू टू योर जर्नलिज्म। पिस्टल, गन, मेकअप, ओ वो मेकअप में वो बाल ब्लो ड्रायर, क्या बात है, वेरी नाइस यार। लिपस्टिक, कहाँ कहाँ किस किस की आंखें चार होती है और क्या क्या होता है, वो है सारे मोमेंट्स स्पेशली है, बिकॉज एक पल आपके साथ जो है वो है, लेकिन दूसरे पल वो आपके साथ नहीं है। फिक्सर मलिक आपको इस पूरे शो की कहानी एक दो लाइन में बताएंगे। ये शो है लाइस, डिसीट और कॉन्फ्लिक्ट्स का। ये शो बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मासी है, बहुत फन है इस शो में, और साथ ही साथ बहुत बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी है। तो आप इस शो को एक बहुत लाइट नोट पर देखेंगे, लेकिन जब एक एक एपिसोड जाएगा शो का, तब आपको समझ में आएगा रे ये तो मतलब लाइट ट्रीटमेंट में बहुत झटके वाला शो है। बट इट्स रियली रियली फन शो, बहुत मज़ा आया हम सबको शूट करने में। दिस शो इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर, आई हैव नेवर प्लेड अ कॉप बिफोर। बहुत ही मसालेदार, मसाले से भरा हुआ शो है ये, सब लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। जहाँ पर थ्रिल हो रहा होता है थोड़ी देर में, आपको लगता है कि आपको हंसी आ जाती है, जब हंस रहे होते हैं तो फिर अचानक से कुछ ना कुछ और हो जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही मस्ती भरी शूटिंग रही हम लोगों की। इसमें जो स्टार कास्ट है पूरी, तिग्मांशु धुलिया है, ईशा कोपिकर है, रजत रवेल है, वरुण बडोला है, कृष्णा शर्मा है, तो और हम सब ने मिलके बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।
मैं शायर तो नहीं, जी हाँ शायरी लेकिन सिखा ही दी सास बहू और साजिश के प्यार ने, ऐसा लगता है हमें, कम से कम शहीर शेख को। जी हाँ, तो देखिए सास बहू और साजिश के जन्मदिन के मौके पर आहा क्या कविता इन्होंने हमारे नाम की, हम तो सदके जाए। सास बहु साजिश को हुए हैं 15 साल, खुशियों का है आलम, सेलिब्रेशंस का है सवाल। बांटो हर साल आप यूं ही मुस्कुराहटें, बांटो हर साल आप यूं ही मुस्कुराहटें, करो आप हर साल यूं ही कमाल। वाह, हर साल यूं ही कमाल करते रहिए। SBS पूरी टीम को, SBS की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हमें भी मुस्कुराने के रीजंस दीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से एक इस खुशी के मौके पे एक स्पेशल सॉन्ग आप सबके लिए, हियर वी गो। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेन मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, तो SBS डेफिनेटली वहाँ है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहाँ तक SBS वहाँ तक। ये है ABP News, आपको रखे आगे। देखिए 15 साल के इस खूबसूरत से सफर में कई खूबसूरत यादें आपने और हमने मिलकर बनाई, और जाहिर सी बात है कि इस सफर को और भी यादगार बनाने के लिए कुछ खास तो होना ही चाहिए। तो बस पहुंचे शरद मल्होत्रा भी सास बहू और साजिश के बर्थडे को सेलिब्रेट करने, थोड़ा सा मुंह खुद का मीठा करने, थोड़ा सा हमारा कराने। अली उमर को सलाम। बिल्कुल जी हाँ, 15 साल हो गए हैं और स्वीट 16 जो है SBS बनने वाला है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरे लिए आप लोग परिवार हैं, फैमिली है, और बस इसलिए आना पड़ा। और 15 साल इतने कमाल के बीते हैं, सबको पता ही है, माइंड ब्लोइंग रहे हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब जो 16वां साल जो लगने वाला है, उसके बाद जो है आप लोग के वारे न्यारे और हो जाएंगे, नए नए लोग जुड़ने वाले हैं, जैसे हम जानते हैं बहुत नए नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं आज, कुछ पुराने भी हैं, तो डेफिनेटली परिवार जो है वो और बड़ा होने वाला है। ऑडियंस जो है, व्यूअर्स बहुत नए जुड़ने वाले हैं, तो स्वीट 16 बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोगों की जो मुस्कान है वो और ज़्यादा बड़ी होने वाली है। मैंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, आई थिंक उसे कुछ 15 साल या आई थिंक 14 साल हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग शायद उस टाइम बस साल ही हुआ था, आप लोग एक साल, आप लोग बस एकदम न्यू बॉर्न ही थे, और मुझे फिर टाइम बढ़ता गया और इंडस्ट्री में मेरे कुछ
पाँच साल हुए फिर दस साल हुए, तो आप लोग भी आस्ते आस्ते बढ़ते चलेगा। और आज SBS जो है हम सब जानते हैं वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स लीडिंग शोज़। मेरी मॉम बहुत बड़ी फ़ैन है, अभी फ़ोन आया था उनका कि गए कि नहीं गए, मैंने कहा नहीं मैं यहीं पर हूँ, तो मैं कहा यार डांटो मत मैं आया हूँ यहाँ पर। तो एक होता है ना एक अपनापन सा जो होता है, आई थिंक सब जानते हैं मैं बहुत पार्शल हूँ कुछ चीज़ों को लेकर लाइफ में, तो SBS उनमें से एक है। मुझे याद है मैं पहला शो दुल्हन जब 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 स्टार्ट हुआ था तो आप लोग सेट पे आते थे और वो दिन जो थे सागर विद्या के से लेकर महाराणा प्रताप के दिन, उसके बाद कसम के दिन और अब मुस्कान के दिन, हर दिन आप लोग साथ में रहे। इसके अलावा भी आई थिंक जो गणपति कितनी बार हुए हैं कि आप लोग घर पे आए हैं और हमने कितने ओकेजन साथ में हम लोग ने मनाए हैं। ये रहा हाई फाइव। और यार पता है क्या, मैं सच बताऊँ मुझे कई बार मुझे लगता है कि यहाँ आता हूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें अच्छे भी लगते हैं कई बार, एज एक्टर्स तो नहीं कहूँगा बट एज फैमिली मेम्बर्स। तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे इस साल में इस एक दिन हमेशा कुछ ना कुछ बहुत कमाल होता है यहाँ पर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर, लव SBS, फिर मिस्चीवियस, इतने सारे ग्रेफिटी बने हुए हैं, इतनी चीज़ें हैं, बलून्स हैं, कन्फेटी है, एक बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, हैप्पी। और हम एक ही दिन इनवाइट करते हैं ना, हाँ मतलब आप समझ जाइए हम लोग एक दिन आ पाते हैं थैंक्स टू द शरद। आज हमारे प्यार की वजह से नहीं आए हैं, प्लीज वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी। नहीं देखिए मम्मी तो चाहती थी डेफिनेटली, क्योंकि उनका हमारे साथ रिश्ता बहुत अलग है। नहीं नहीं मम्मी के साथ अलग है बट बाकी शी इज रियली रियली शी इज फॉन्ड ऑफ यू पीपल, सच बता रहा हूँ। और मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि सेलिब्रेशन हो रहा है एंड मैंने कहा किसका सेलिब्रेशन है, अच्छी सेट SBS का, मैंने कहा वो साल का वो एक दिन आके तुम्हें जाना पड़ेगा रात को 12 बजे पैकअप के बाद। तो मैंने मन बनाया मैंने कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए दुनिया की इधर की उधर हो जाए बट आई विल गो। ABP News आपको रखे आगे। वैसे पार्टी का मजा तो तभी आता है जब पार्टी करने वाले एक ही छत के नीचे जमा हो जाए धमाल करने कमाल करने। और क्या धमाल किया, जी हाँ सुरभि चांदना ने, हेली शाह ने, अद्वैक और उनकी पत्नी नेहा ने, आई मीन मस्त हो जाएंगे आप भी देखकर। सास बहू और साजिश शुरू हुआ था 15 साल पहले। 15 साल पहले आप क्या कर रही थी? मैं सेकंड स्टैंडर्ड में शायद थी बट हाँ जब मैं स्कूल में पढ़ाई करने जा रही थी तब SBS ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज 15 साल हो गए हैं।
हैप्पी हैप्पी 15 इयर्स SBS एंड ऐसे आप और कई सारे साल ख़त्म करें एंड हम हर साल ऐसे आते रहें, खूब सारी पार्टी करते रहें और खूब सारे ऐसे फन से यूनिक से सेलिब्रेशन करते रहें। यहाँ इन दोनों को देख लो, क्या कर क्या रहे तो? अच्छा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को म्यूजिक दे रहे हैं। मैं स्कूल में थी, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं एक्टर बनूंगी। देखो आज 15 साल बाद हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे और वो इसी वजह से पहुंचे क्योंकि आप लोग उतनी ही हमें बैकिंग करते हैं, उतना ही हमें हेल्प करते हैं अपने फैन से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे मिलाते हैं, हमें इतना इनकरेज करते हैं एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आप लोग 16 साल स्वीट 16 मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे एबीपी न्यूज को, भगवान करे ये 15 साल 150 साल में कन्वर्ट हो जाए और हम तब भी एक्टर हो। ओहो, ये तो। बस ये जवानी रहे। चिंग चिंग चिंग। मैं भी इस सास बहू साजिश का हिस्सा हो चुकी हूँ, तो मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट ही करना चाहूंगी सास बहू साजिश को उनके 15 इयर्स कंप्लीट होने पे और दे आर एंटरिंग स्वीट 16 एंड विश यू मेनी 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 मोर इयर्स अहेड। तू तो अपने आप को हमेशा 16 ही बोलती है। वो तो मेरे देखो सास बहू साजिश बिल्कुल मेरे जितना हो चुका है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।